महाराज की जय हो। कहो क्या समाचार लाए हो। महाराज मैंने अभी अभी देखा दो राजकुमार जिन्होंने साधु वेश और शस्त्र भी धारण किए हुए हैं महाराज, और वो श्रीमुख पर्वत की तरफ ही आ रहे हैं। क्या कहा, साधु वेश? जी महाराज। शस्त्रधार? जी महाराज। ऋषिमुख पर्वत? जी महाराज। जामामन जी ये कोई बाली की तकनीक लगती है मुझे। महाराज आप बेवजह चिंता कर रहे हैं, बाली को बेवजह ऐसे करने की क्या जरूरत है? अरे ये संभव है, आप ऐसा कीजिए हनुमान जी को बुलाइए। जाओ महावीर जी को जाके सूचित कीजिए महाराज आपको याद कर रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। भला ये कैसे हो सकता है, वो यहाँ नहीं आ सकता ना। महाराज आप घबराए नहीं, महावीर जी आते ही होंगे। अभी तक क्यों नहीं आए जामा मंजी? लो आ गए। प्रणाम महाराज, गुप्तचर ने बताया कि आपने मुझे याद किया। बिल्कुल महावीर जी, यहाँ ऋषिमुख पर्वत के पास दो शस्त्रधारी दिखाई दिए गए हैं, आप पता तो करो कौन है वो। महाराज आप तो यूं ही चिंता करते हो और यूं ही घबराते हो, आपको अच्छी तरह पता है कि बाली यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता। संभव है ये, हो सकता है उसके खुफिया हो, खुद को छुपाते हो, बल से मेरा वध करने आते हो। तो क्या आप महर्षि मतन मुनि के श्राप को भी भूल गए जो उन्होंने बाली को दिया था? यदि वह ऋषिमुख पर्वत पर आना भी चाहे तो भी नहीं आ सकता। महावीर जी आप जाइए, उनका पता लगाइए वो कौन है, और ध्यान रहे वो आपको पहचानने ना पाए। तो ठीक है महाराज, यदि यही बात आपको चिंतित किए जाती है मैं इसे अभी दूर किए देता हूँ। बिल्कुल मैं अभी जाता हूँ और उनका वेद मालूम करके आता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारे की पहचान रखना। ठीक है महावीर जी आप जल्दी जाइए। क्या तुम सच कह रहे हो? जी महाराज। राता जी यहाँ कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा जिससे हम कुछ पूछ सके। हाँ लक्ष्मण, आखिर ऋषिमुख पर्वत का पता किसे मालूम हो सकता है? भ्राता जी वो देखिए, इनको शायद महाराज सुग्रीव जी का सब सही होगा, दिखने में तो ये तपस्वी भी लगते हैं और शस्त्र भी धारे हुए हैं। इनसे जाकर पूछना पड़ेगा ये कौन है। नहीं नहीं ये मेरे इस रूप में अपना सही परिचय नहीं देंगे। लक्ष्मण जी मेरे ख्याल से ऋषिमुख पर्वत उस तरफ हो सकता है। हाँ भैया मुझे भी यही लग रहा है। ब्राह्मण से पूछते हैं। चलो भ्राता जी। ब्राह्मण महाराज कहिए। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कल्याण हो। ब्राह्मण महाराज क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। अच्छा तो आप ऋषिमुख पर्वत का पता बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ऋषिमुख पर्वत अवश्य बतला सकते हैं, परंतु कौन ग्राम क्या नाम देवता जहां से आप पधारे हैं? लागत में तो है तपस्वी, फिर ये शस्त्र क्यों धारे हैं? उधर जलाल अजब चेहरे का, सूरत सकल सुहाना है, इधर हवाइयां पड़ी हैं मुख पर, इसका भेद ना भी जाना है। है पतिक आप और हम, यूं ही मंजिल कट जाएगी अगर दे आप अपना परिचय
फिर अच्छी तरह कट जाएगी। बंधु हम क्या कहें, इसी चक्कर में तो हम हैं, क्या कहें कहां के हैं हम, जब थे तब थे अब तो ना यहां के हैं ना वहां के हैं। विधाता ने जो लिख रखा है उस पर बस किसका चलता है, ये जीवन है एक रंग सथल हर दम में रंग बदलता है। ब्राह्मण महाराज, जी महाराज, है भेष आपका ब्राह्मण सा, दिखलाते बनवासी है, उसी तरह हम भी इस वन में राजा हैं सन्यासी हैं, परदेश में अपना ठीक पता देता ना किसी को कोई है, जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी सोई। जी महाराज, महाराज मैं लज्जित हूँ कि मैंने आपसे टेढ़े तरीके से सवाल किया, परंतु महाराज आप अपना सही पता ठिकाना बतलाएं। क्या कहे बंधु, हम प्रावत के मारे हैं, कहने को हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। विस्तार से हाल प्रभु, क्या विपदा तुम पर आई है, वह सब क्या कारण जो तबीयत इतनी घबराई है। आए थे बनवास को नारी अपनी गवाई है, ये बनवासी सीता ढूंढ रहे सुधी अभी ना पाई है। ब्राह्मण महाराज मेरा नाम राम है। राम, राम, मेरे प्रभु राम। ब्राह्मण हूँ ना भिखारी हूँ, केवल एक शस्त्रधारी हूँ, मेरा नाम हनुमान है। हनुमान, मेरे प्रभु राम, उठो, वानर ठहरा, अपने प्रभु को पहचानने में भूल कर दी। प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, क्या आपने अपने भक्त को नहीं पहचाना? हनुमान हम तो तुम्हें पहली नजर में ही पहचान गए थे, बस इंतजार तो हमें आपके इस रूप का था। मैं आपको महाराज सुग्रीव जी के पास अवश्य लेकर चलूंगा, वह भी आप ही की तरह इस जमाने के सताए हुए हैं और अपने भाई के हाथों
मार खाए हुए हैं। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ महाराज सुग्रीव जी के पास चलेंगे ना। वाह वाह हनुमान जी, लक्ष्मण जी, मुझे हनुमान की बातों में सच्चाई नजर आती है। इनका एक एक लफ्ज मेरे दिल में प्रेम और अमृत खोल रहा है, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है ये केवल बलवान ही नहीं बल्कि व्याकरण और शस्त्र विद्या के भी माहिर हैं। हाँ हाँ भैया, मेरा भी यही विचार लग रहा है। क्यों हनुमान जी? प्रभु, आप ही का आशीर्वाद है। हनुमान जी, अब शीघ्र ही हमें सुग्रीव जी के पास ले चलिए। इनका शुभ नाम तथा स्थान तो बताएं। महाराज, ये दोनों महाराज अधिराज रघुकुल भूषण अयोध्या नरेश श्री दशरथ के सुपुत्र और मेरे प्रभु राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी हैं। प्रभु राम, महाराज लक्ष्मण, महाराज धन्यवाद मेरे। उठो सुग्रीव। धन्यवाद महाराज। धन्य हो महाराज, धन्य हो। सुग्रीव जी, मैं आपसे मिलकर अति प्रसन्न हुआ और आपकी सहायता करने का वादा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। महाराज विराजिए ना, विराजिए महाराज। सुग्रीव जी, है अर्थ दोस्ती का यही कि दोनों में कोई दोष ना हो, शरीर दो और प्राण एक, मतलब की दिलजोई न हो, जिस मार्ग पर रुसवाई हो खुद चले ना उसको चलने दे, दिल ना मित्र का दुखे कभी, दिल अपना जले तो जलने दे। महाराज, क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु आपके मुख पर ये चिंता किस बात की है, जरा उसके बारे में बताएंगे? सुग्रीव जी, क्या कहें, हम पिताजी की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए आए थे, साथ में भैया लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता जी भी आई थी, लेकिन एक दिन हमारे पीछे से कोई राक्षस उनका हर के ले गया, बस उन्हीं की तलाश में मारे मारे घूम रहे। महाराज, माता सीता राक्षस हर के लेके गया। महाराज, एक दिन मैं यहीं पर बैठा था, मेरी नजर आसमान पर पड़ी तो यही नजारा देखा था, भारत की तरह विमान एक, अंदर कुछ और जारी थी। महाराज, शायद उस दुष्ट के बस में पड़ी वही जनक दुलारी थी। महाराज, वह दृश्य, वह नजारा
है नहीं बुला देने वाला, हे राम हे राम कहते कहते उन्होंने कुछ जेवर जमीन पर गिना दिए। महाराज सुग्रीव जी, क्या आपके पास वो जेवर है? बिल्कुल है महाराज, मैं अभी लेकर आता हूँ, अभी लेकर आता हूँ महाराज, अभी लेकर आता हूँ। अधिक रहा कुंडल लक्ष्मण, ये देखो ये देखो, यदि सीता जी की सुधि ना मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। सुग्रीव जी, ये वही कुंडल लक्ष्मण, देखो देखो। भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो नूपुर का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। हाँ शगुन ये अच्छा है, विश्वास धनुष बाणों में है, वो समय समीप आ रहा है, कुंडल उन्हीं के कानों में है, वो कुंडल वाली वैदेही का हरण करने वाले, अब होशियार हो जा, आते हैं रन करने वाले। स्वामी हाँ, हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगाएंगे, जो काम आप करने आए हैं उसमें हम हाथ बटाएंगे, सारे सुखों का बलिदान करें, माता का पता लगाएंगे, सारा जीवन कुर्बान करें, पृथ्वी का भार हटाएंगे, जिस दुष्ट ने माता को हरा हम उसका दिया बुझाएंगे। लक्ष्मण शांत हनुमान, कर्ता कारण तो आप हैं प्रभु, जरिया हम कहलाएंगे। आहा, इसे कहते हैं देवर, किस कदर है मान भाभी का, रहे वर्षों निकट किंतु देखा नहीं कान भाभी का, महाचंडाल है वो जिसको है अरमान भाभी का, वो कुत्ते हैं जो करते हैं उधर रसपान भाभी का। ऐसे ही लोगों में इनका भाई बाली है, जिसने जबरदस्ती ही बंधु पत्नी घर में डाली है। सुग्रीव जी, मैं अब समझा आपकी उदासी का कारण। कोई बात नहीं, आप जाइए और बाली को युद्ध क्षेत्र में बुलाइए, ऐसे दुष्ट का जीवित रहना बिल्कुल उचित नहीं है। महाराज बाली मुझसे अधिक बलशाली है और उसको ये वरदान है कि जो कोई भी मनुष्य उसके सम्मुख होकर युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा, बस यही कारण है महाराज मैं घबराता हूँ। सुग्रीव जी आप उसकी चिंता ना करें, बस एक बार आप उस बाली को युद्ध क्षेत्र में बुलाइए, जब वो युद्ध क्षेत्र में आएगा तो मेरा ये तीर उसे यमपुरी पहुंचाएगा। महाराज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु एक बात के लिए आगाह कर लेना चाहता हूँ। महाराज बाली को ये वरदान तक्षक ने दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोई भी मनुष्य इन ताड़ के वृक्षों को
एक ही बाण से बीतेगा वही बाली पर विजय पाएगा। तो ठीक है मित्र, आओ तो देखो, जितने भी वृक्ष मेरी तीर की यद में आएंगे सारे के सारे विधे जाएंगे। और उस दुष्ट को युद्ध के लिए ललकारता हूं महाराज। महाराज आप ध्यान रखना, मैं अभी जाता हूं। मंत्री जी। जी महाराज। सुग्रीव तो उस दिन से बिल्कुल लापता है। महाराज अब तो आप उस पर दया कर दीजिए तो ही अच्छा है। मंत्री जी। महाराज मालूम होता है तुमने उससे कोई रिश्वत खाई है। महाराज क्योंकि वो आपका भाई है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे नालायक को मेरा भाई कहकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। महाराज उसकी गलती भी तो माफ की जा सकती है। ऐसे कमीने को माफ करना नाइंसाफी होगी। तो आ जाइए भाई साहब, आज मैं रोज रोज का झगड़ा मिटा दूंगा, या तो आपकी जान लूंगा या अपना सर कटवा दूंगा। ये तो सुग्रीव की आवाज है। जी महाराज। ओ नामकुल, तू फिर आ गया, ठहर मैं तेरी अच्छी गत बनाता हूँ। जरा बाहर आओ, घर बैठे बातें मत बनाओ। गया नाम बाली का शायद तू भूल, फिर मेरे सामने आया हूँ नामकुल। जरा बाहर आ, ना शेख ही जता, बताऊं तुझे आज वीरता का पता। अरे चला जा ना बकवास कर, मेरा मर्तबे का कुछ तो पास कर। बड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, मैं जाऊंगा आज तेरी हड्डियां चबा। मैं तेरे मुजालिम से तंग आ गया, तंग आकर भुजंग आ गया। वो दाता है चाली मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा करम। किया मैंने तो आगे मेरे आएगा, नहीं तो आज तेरा नाश हो जाएगा। Thank you.
महाराज पहले मुझे ये बताइए कि आपने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है। हाय। अरे सुग्रीव जी आप उठिए, अरे ऐसा मत कहिए। सुग्रीव जी जब आप युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे तो मैं चौंक रहा था कि आप दोनों भाई एक समान हैं। मैं जब भी बाण पे तीर चढ़ाता था तो धोखा खाता था कि कहीं गलतफहमी में तीर आपके लग जाए। महाराज आपने जरूर किसी बात की दुश्मनी निकाली है, मैं पिटता रहा और आपने वार नहीं किया। अरे सुग्रीव जी आप दोनों एक शक्ल के हो, दर्द हो रहा है। आप ऐसा कीजिए हनुमान जी, कहिए प्रभु, हम इन्हें कोई निशानी देते हैं। प्रभु ऐसा करते हैं हम इन्हें एक हार देते हैं। हाँ भैया इससे हम सुग्रीव जी को पहचान भी सकेंगे। आप ये पहनिए, जब आप युद्ध क्षेत्र में होंगे तो इससे मुझे आपकी पहचान होती रहेगी। लड़ने की ताकत तो है। महाराज ये क्या था, मेरा तो दुखी दूर हो गए। आओ जाइए तो सही, सुग्रीव जी जाइए, बुलाइए उसे। यदि आप इस बार चूक गए ना, मैं तो नहीं आता जिंदा, मैं नहीं आता। सुग्रीव जी आपको मुझ पे यकीन है या नहीं? बहुत है महाराज। तो जाइए ना। पक्का? पक्का। ये लो अब तो ठीक है, जाओ। मैं अभी जाता हूँ महाराज, उसको युद्ध के लिए फिर से ललकारता हूँ। अच्छी बहादुरी दिखाई, कुछ बन ना पाए तो घर के छुप के जान बचाई। बली बली आ जा। ओ नालायक तू फिर आ गया है, मालूम होता है तेरी खोपड़ी खुजला रही है। बाहर घर बैठे बातें मत बना बाली। ओ नालायक तू यूं ही शरारतें करता रहेगा और अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा। मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाए स्वामी। बेहतर तो यही है तारा कि तू चुप रह, वरना जो कहना है जल्दी से कह। स्वामी सुग्रीव आपका भाई है, जिस माँ का दूध आपने पिया है उसी माँ की गोद में उसने परवरिश पाई है। आप दोनों की लड़ाई से प्रजा पर पूरा प्रभाव पड़ता है स्वामी, आपसी लड़ाई से घर बर्बाद हो जाते हैं। बस तारा आप छोड़ दीजिए महाराज, सुग्रीव की बहुत तरफदारी कर रही है। नहीं महाराज नहीं नहीं, मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहती हूँ और आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे मन में ऐसे भाव नहीं आ सकते महाराज। तो मेरा दामन छोड़ दो तारा और मुझे जाने दो। आ जा बाली। क्या तू नहीं सुनती,
किस तरह मुझे ललकार रहा है? नहीं महाराज, नहीं, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे कहने से अपने नाम को मिट्टी में नहीं मिलने दे सकता। नहीं महाराज, इतनी मार खाने के बाद लड़ने आया है, इसमें कोई भेद है? तारा तुम मेरा हाथ छोड़ दो और मुझे जाने दो। तारा महाराज, ओ बुजदिल, उस वक्त तो भागकर जान बचाई, अब दोबारा शक्ल दिखाते क्या रद आई? मुझे मेरा हक दे दो, ना कोई झगड़ा ना लड़ाई। तेरा हक सिवाय आवारा गर्दी के तेरा कोई हक नहीं है। तो तेरी मौत में भी कोई शक नहीं है? तू आया किस भरोसे है मुझको नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है, तेरी हस्ती निकालने को। समझ जाओ, समझ जाओ, अब तेरे सिर पर तेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी, तेरी तकदीर उल्टी है। बाली से युद्ध करेगा ये। किसे तीसरे का आदमी इस मारधाड़ में खेला गया शिकार ये पर्दे की आड़ में? ओ तो क्या तुम्हारा ही नाम राम है? हाँ बाली, मेरा ही नाम राम है। राम, तू पैदा होते ही क्यों ना मर गया? ये कहाँ की वीरता है, कहाँ की बहादुरी है जो वृक्ष के पीछे छिपकर कमान संभाली तूने? ऐ राम, तूने मुझे नहीं मारा, अपने धर्म की नाक काट डाली है। मैंने तो सुना था कि राम न्यायी है, पक्षपात से रहित है, परंतु तुम तो हरे घास के नीचे छिपे हुए गड्ढे निकले। हम जंगली लोग भी यदि मंदा काम करें तो ठीक नहीं, परंतु तुम तो हमसे भी बढ़कर निकले। बाली, तुम्हें जो दंड दिया गया है तुम उसी योग्य थे, ये ठीक है। तुम्हारी एक एक बात जले हुए दिल से निकल रही है, जितनी भड़ास निकालनी चाहो निकालो बाली, मगर धर्म के मामले में तुमने बहुत बड़ी गलती खाई है, इसीलिए तुम्हारी ये दशा हुई। अरे राम, शांति ठोक कर आते और फिर मुझे दंड देते, तो मैं तुम्हें बताता वीरता किसे कहते हैं। दुष्ट आत्मा, अपनी चट्टाओं से तो शर्माया होता, मुझे मेरा अपराध तो बताया होता। जो मुझसे प्रण करे मेरी बिछड़ी सीता को मिलाने का, क्या मैं इतना सा भी कष्ट ना करूं उसके कष्ट मिटाने का? पक्षपाती, पक्षपाती, पक्षपाती समझकर ही दशरथ ने घर से निकाल दिया, राज्य का अयोग्य समझकर दशरथ ने घर से निकाल दिया। परंतु याद रहे, ब्रह्मघाती, विश्वासघाती मैदान का चोर है ये, और तुम इससे सीता का पता लगाना चाहते थे।
कहां सुग्रीव का बल और आशाएं जो सीता सुधी का काम करे। अरे गीदड़ में इतनी शक्ति का जो शेरों जैसा काम करे। बाली एक बात जो सत्य है वो सुनो। बेटे की बहू कन्या छोटे भाई की घरवाली जो कोई भी इन पे कुदृष्टि रखता है उनका यही हशर होता है। तुमने अपने भाई सुग्रीव की मर्यादा को तार तार किया, इसीलिए मेरा वाहन चला और तेरा संघार किया। और बाली तुमने ये वर मांगा था ना कि जो कोई भी तुम्हारे सामने युद्ध क्षेत्र में आएगा उसका आधा बल तुम्हारे जिस्म में चला जाएगा। और याद रखो कि वरदान किसी का नष्ट करे ये नहीं काम हमारा है, इसीलिए ओ बाली तुझको उस आग से मैंने मारा है, उस आग से मैंने मारा है। पिताश्री, 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 आप क्यों मुझसे मुख मोड़े जा रहे हो महाराज और मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो महाराज? अगर मैं भी आपके साथ स्वर्ग की राह ले लूं तो इस जिगर के टुकड़े को कौन संभालेगा? बस बस तारा, तूने तो मुझे बहुत समझाया परंतु मेरी ही समझ में कुछ न आया। अब धैर्य धरने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब हो चुका है पूरा सब काम जिंदगी का, मरना ही है एक दिन अंजाम जिंदगी का। मेरे जीते जी यूं आंसू मत बहाए जाए और इन माओ की समस्याओं में मुझे ना घसीटा जाए। पिताश्री मुझे बताइए आपको किसने मारा? क्रोध आता है उस दुष्ट गाधी पर, खून भी जाऊं चढ़कर उसकी छाती पर। नहीं बेटा नहीं, मनुष्य तो भूल का पात्र होता है। एक दोष के बदले राम के 100 गुना पर पानी फेंकना ठीक नहीं। मैं पहले ही एक बाण के बदले 100 बाण राम के कलेजे में घोप चुका, इससे अधिक इन्हें कुछ कहना ठीक नहीं। देवी रोना धोना व्यर्थ है, जो आता है वो जाता है। बाली बोलो मांगो क्या मांगते हो, बता मैं आज तुझको क्या वर दूं? यदि मरना नहीं चाहते तो बोलो फिर से जिंदा कर दूं? नहीं नहीं राम, अब तो बस यही इच्छा है कि तुमसे ये जो दोष हुआ तो मेरे लाडले बेटे अंगद के सिर का छत्र बनो। बेटा अंगद जी, पिताजी इन्हें प्रणाम करो और राम मेरा दाह संस्कार करने के बाद भाई सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठा देना। भाई सुग्रीव जी, भ्राता जी अब वह वैर भाव का समय गया, आओ मुझे छाती से लगा लो। क्षमा कर दीजिए भ्राता जी, शरण में आन पड़ा बेटा, समझना अंगद को छोटा पुत्र और मुझे बड़ा बेटा। राजा जी
भ्राता जी। लक्ष्मण जी, बाली महाराज का दाह संस्कार कीजिए। सुग्रीव जी को राजगद्दी पर बिठाइए और अंगद जी को युवराज घोषित कीजिए। ठीक है प्रभु, जैसे ही आपकी आज्ञा। सुग्रीव जी, आज से आप इस राज्य के राजा हैं। और सुग्रीव जी, राजा वही कहलाता है जो अपनी प्रजा के दुख के समय में खड़े और उनकी मुश्किल में सहायता करे। वो राजा नहीं कहलाता जो झूठे झूठे वादे कर यूं ही राजा बन जाता है। सुग्रीव जी, हमें आपसे बहुत आशा है और हम जानते हैं कि आप हमारी आशा पर खड़े उतरेंगे। महाराज, आपका हुक्म सराहनीय है। वेदना पड़ने पर इंसान को घबराना नहीं चाहिए बल्कि शांति से काम लेना चाहिए। प्रभु, आप मुझे शांति का पाठ ना पढ़ाइए। कोई मेरी माता समान सती सीता घर की लक्ष्मी को चोर चुरा कर ले जाए, वे धोखे से उठा ले जाए और मैं शांत रहूं। वानरों का राजा सुग्रीव हमारी राज लक्ष्मी को मिला देने का वादा देकर भूल जाए और मैं उसे दंड ना दूं। नहीं प्राता जी, ये मुझसे नहीं सहन होगा। और आज आप देखना मैं सुग्रीव को कैसा मजा चकाता हूं। एक ही बार में यमपुरी पहुंच जाता हूं। लक्ष्मण, तुम क्या करोगे? करूंगा क्या? इन धोखेबाज बानरों के राज्य को नष्ट कर दूंगा। जो वचन भ्रष्ट है उन्हें अपने पापों का भयंकर दंड दूंगा। प्रभु, अब सत्य समझिए, बिना स्वार्थ कोई नहीं, स्वार्थ के सब मीत। कीजिए दुष्ट को बिन भय रहे ना मीत। लक्ष्मण, मैं तो इसलिए कहता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अरे उठो महाराज। उठिए सुग्रीव जी, उठिए। महाराज, माया के चक्कर में फंसकर हे नाथ मेरा ये हाल हुआ। महाराज, मैं क्या कहूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, आज मलाल हुआ। जो नारी पर मोहित ना हो ऐसा नर मिलना मुश्किल है। जो पदा लोभ की फांसी में दुनिया में वही तपस्वी है। महाराज ये देखिए, बाण भी रखा है और गुनेगार भी हाजिर है। चाहे मारो चाहे क्षमा करो, इंसाफ आपके हाथ में है। सुग्रीव जी, मत रोवो मत रुलावो, मुझे तो लक्ष्मण समान हो तुम, मुझ दुखिया की दवा हो तुम, मुझ तपसी की आन हो तुम। कहिए सुग्रीव जी, अब क्या समाचार है? महाराज, मैं चारों दिशाओं में वानर भेज दिए गए हैं और मैं हनुमान जी को यह बोल के आया हूँ बाकी की सेना इकट्ठी करे और आपके पास लेकर आए।
आवाज सुनाई दे रही। जय श्री राम, जय श्री राम। वो देखिए महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम प्रभु, प्रणाम महाराज। महाराज, बहुत से वानरों को चारों दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए भेज दिया गया है। सुग्रीव जी, मेरा विचार ये है कि एक बार दूत फिर से भेजे जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सीता जी लंका में ही है। बेशक हम जानते हैं कि सीता जी लंका में ही है, परंतु एक बार। हाँ भैया, मेरा भी यही विचार है। जामावन जी, आप क्या कहते हैं? महावीर जी को महाराज, ऐसा करते हैं, बाकी दिशाओं में तो वानर भेज देते हैं, परंतु खास लंका में महावीर जी को भेजते हैं, क्योंकि ये वहां के गली कूचे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। क्यों महावीर जी? बिल्कुल महाराज। हनुमान जी, कहिए प्रभु। यदि आप ये कष्ट उठाएं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? जिसे आप कष्ट कह रहे हैं, वह मेरे लिए अति सुख है। परंतु एक चीज की घबराहट है। वो क्या? माता ने मुझे देखा तक नहीं, वह मुझे पहचानेंगी कैसे और मेरी बातों पर यकीन कैसे करेंगी? हनुमान जी, ये लीजिए, आप मेरी निशानी उन्हें दे देना, और हनुमान जी, उनकी कोई निशानी मेरे लिए लेकर आना, उनका हाल जानकर मेरी दशा सुना देना, और फिर चतुराई से उनका मन बहला देना। वो किस हाल में रहती हैं, बस शीघ्र ही खबर ले आइए। जाइए हनुमान जी, अब देर ना लगाइए। आज्ञा दीजिए प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप ही महावीर जी के साथ जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। जावावन जी, आज तो समुद्र भी पूरे उफान पे नजर आ रहा है, इसे पार करना तो महावीर जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपनी शक्तियों को याद कीजिए और माता सीता का पता लगाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कीजिए। निशक्तियों को याद कीजिए, शक्तियों को याद कीजिए, शक्तियों को याद कीजिए। हे काम रूप, हे शंकर रूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। हे काम रूप, बजरंगी रूप तुम्हारा है। अपने पात्र को याद करो, ये काम तुम्हारा है। अपने पात्र को याद करो, ये चंकी काम तुम्हारा है। रणवीर उठो, बलवीर उठो, ये काम तुम्हारा है। रणवीर उठो, बलवीर उठो, बजरंगी नाम तुम्हारा, बजरंगी नाम तुम्हारा है, बजरंगी नाम तुम्हारा है, बजरंगी नाम तुम्हारा है, बजरंगी नाम तुम्हारा है, तुम्हारा है, बजरंगी नाम तुम्हारा है, बजरंगी नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जावावन जी, भगवान की कृपा से, रघुवीर की कृपा से यह समुद्र पार कर जाऊं मैं। पहले उस पापी रावण को मारूं, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की नाली को लागू या भी निगल जाऊं, या जिस पहाड़ पर लंका है उसे गिरी समेत ले आऊं।
सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहा है वही कर दिखलाऊंगा। अपनी स्वामिनी जानकी को स्वामी से जरूर मिलाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शांत महावीर जी, शांत। आप केवल वहां जाकर माता सीता का पता लगाए और कुछ शक्तियां रावण को दिखलाए, हम आपका यही इंतजार करेंगे। ठीक है जावावन जी, मैं अभी जाता हूं और सीता माता का पता लगा कर आता हूं। जब तक मैं ना आऊं, मेरा यही इंतजार करना। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने ये मोढ़िया से गोढ़िया तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा है सी, मैं दस भी नहीं सकता। पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले है, ढाई तीन महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो। सिर्फ ढाई तीन महीने ये 125 बीमारियों तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भूलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है। पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट चुन बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।